हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ और आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग ब्राइटनिंग की। इतने कमेंट जाते हैं कि कोई बेस्ट वाइटनिंग क्रीम बता दीजिए। तो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बेस्ट वाइटनिंग क्रीम्स पर रिव्यूज़ कर चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। बायोफेड है, मेलाक्लेयर है, दोनों मेडिकेटेड हैं और बेस्ट हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मेडिकेटेड चीज़ ही बताओ ताकि उसके अगर खुदा न खास्ता फ़ायदे नहीं हैं तो नुकसान भी ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ यू बताऊँगी, रिव्यू करूँगी सेफ्रिन सेफीड्रम, जो कि है इस तरह की पैकेजिंग में। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, पैकेजिंग आप देख सकते हो, ठीक है। यह है इसकी पैकेजिंग, ये देखें, ये इसकी जो है आउटर बॉक्स पैकेजिंग है, नज़र आ रहा होगा आपको। और ये इसके अंदर की ट्यूब है, इस पर लिखा, जो बॉक्स पे लिखा है ना उस वही ट्यूब पर भी लिखा है सेफीडर्म स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, गेट ब्राइटर हेल्दियर एंड मोर ग्लोइंग स्किन, हाइपोलोजेनिक नॉन कोमोडोजेनिक, 30 ग्राम की ये है, सेफ्रिन इसका नाम है। बैक पे हम देख लें तो यही लिखा है सेफीडर्म स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। एक्टिव इंग्रीडियंट इसके लिकोरिश एक्सट्रैक्ट्स हैं, कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बुटिन है, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट है। डायरेक्शन बताई हुई है यूज़ की, किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रीम बहुत बेस्ट है, मुझे सच में बहुत पसंद है। और बायोफेड मेलाक्लेयर, और ये अंदर से ग्रीन कलर की है ये। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने बता दिया आपको, अब मैं पढ़ के बता दूँ, उसमें लिखा है गेट ब्राइटर हेल्दियर एंड मोर ग्लोइंग स्किन, हाइपोलोजेनिक नॉन कोमोडोजेनिक, 30 ग्राम की ये ट्यूब है स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। इस पर लिखा है डायरेक्शन फॉर यूज़, इसमें लिखा है अप्लाई ऑन अफेक्टेड एरियाज वंस डेली एट नाइट, मसाज जेंटली अंटिल क्रीम इज एब्जॉर्ब कम्प्लीटली इन टू द स्किन, द यूज़ ऑफ एन एडिशन वाइड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक ऑफ SPF 60 सोलोरेन 60। मतलब ये बता रहे हैं कि आपने इसी का सनब्लॉक यूज़ कर ले तो ज़्यादा अपनी प्रमोशन भी करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन 60 SPF कम से कम आपने सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आप चाहे वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हो, नहीं करते हो, कुछ भी स्किन केयर नहीं करते हो, तब भी आपने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर तो मस्ट यूज़ करना ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह की क्रीम्स यूज़ करते हो जो आपकी स्किन को वाइटनिंग ब्राइटनिंग लाइटनिंग करते हैं, तो फिर आपने एक्स्ट्रा उसका ख्याल करना होता है, आपने उसको सनस्क्रीन से कवर करना होता है, आपने मस्ट सनस्क्रीन यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की, तो इसकी इंग्रेडिएंट्स इतने बेहतरीन हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं टोटली इसके अंदर, जो कि है लिकोरिश एक्सट्रैक्ट्स, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, ये भी एक विटामिन सी की एक फॉर्म है। ये सारी ही जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको वाइटनिंग ब्राइटनिंग और लाइटनिंग 110% देते हैं आपके स्किन को। अच्छा जी, मेंटेन हेल्दी एंड यूथफुल लुकिंग स्किन, जी हाँ, इसके यूज़ के बाद आपकी स्किन जो है यूथफुल हेल्दी हो जाती है, ठीक है। और मिलाजमा और फ्रैकल्स, एक्नी मार्क्स, अनइवन स्किन, अगर आपको एक्नी मार्क्स हैं, मिलाजमा है, फ्रैकल्स हैं, अनइवन है जगह जगह से स्किन, तो ये 100% इसके लिए इफेक्टिव है। लेकिन किसी भी चीज़ के रिजल्ट हासिल करने के लिए आपने कम से कम उसको 3 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना होता है, उसके बाद ही उसके रिजल्ट आपको नज़र आते हैं। रिजल्ट कैसे पता चलेंगे, पहले दिन आप जिस दिन स्टार्ट करो पिक्चर क्लिक कर लो, उसके बाद 1 महीने बाद आप पिक्चर क्लिक करो, उसी जगह बैठकर जिस दिन पहले दिन आपने क्लिक की थी पिक्चर, उसी लाइट में, उसी रूम में, उसी लाइट में आप 1 महीने बाद पिक्चर क्लिक करो, फिर दोनों को आप देखो, कंपैरिजन करो, तो आपको वाज़े फ़र्क खुद नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है बेस्ट वाइटनिंग क्रीम, प्राइस इसके हैं 1000 रुपीज़, किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। अगर आप कराची की बात करोगे तो दवागो है, टाइम मेडिको है, ये बेस्ट है, कौसर मेडिको है, इसके अलावा और भी जो अच्छे फार्मेसीज होते हैं वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगी, या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठते हो तो वहाँ पर भी इस तरह की क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से भी जो है आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। 1000 रुपीज़ की मिल जाएगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपने पी साइज अमाउंट या थोड़ा सा पी साइज अमाउंट से ज़्यादा लेना होता है, और पूरे फेस पर आपने लगाना होता है, पूरे फेस पर इसको आपने लगाना है, इवनली स्प्रेड करना है पूरे फेस पर, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थोप थोप के आपने लगानी है, नॉर्मली क्वांटिटी आप इसकी लो, पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड करो, पूरे नेक पर वगैरह पर इसको अच्छे से यूज़ करो, और दिन में सनस्क्रीन मस्ट 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 यूज़ करो। अच्छा जी, एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आपने पूरा वाइटनिंग ट्रीटमेंट जानना है जिससे आपकी स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग और लाइटनिंग नज़र आए, आपकी स्किन पे यूथफुल ग्लोई एकदम
कहते हैं ना झकास वाली स्किन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया है, पूरे हफ्ते की रूटीन बताई है AM PM के साथ, तो वो आप वीडियो में ही जाके देख सकते हो। अफोर्डेबल बजट में रहते हुए कोई भी जो सारे जो सीरम्स जो भी मैंने कुछ बताया 350-400 इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्रीम आपको 1000 रुपीज़ की पड़ेगी, उसके अलावा जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है फेस वॉश सीरम जो भी वो बहुत अफोर्डेबल है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मैं इस वीडियो के एंड कार्ड में लगा दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए देखने के लिए। तो मैंने इसका रिव्यू किया, अंदर से ट्यूब मैं आपको दिखा दूँ, ट्यूब मैंने दिखाई नहीं, अंदर से मैं ट्यूब आपको दिखाऊँ, इस तरह की ये ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी ट्यूब है, 30 ग्राम की है और इस तरह से घूमती है और ये इस तरह से ग्रीन कलर की है, ये देखें ये ग्रीन कलर की है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रिव्यू वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मैं क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है, वो जो बेल आइकन है टिंग 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 उसको जरूर प्रेस करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।